सबसे पहले अपना मॉडल पता है ना, IS पास सर्विस SaaS सर्विस ये हाँ पता वो है। मालूम है, बताए। हाँ ठीक है, तो रिसोर्स ग्रुप पता है, रिसोर्स ग्रुप क्या होता है? रिसोर्स ग्रुप बोलो क्या है, क्या वन वन वर्ड बोलो। रिसोर्स ग्रुप होता है एक लॉजिकल कंटेनर होता है रिसोर्स ग्रुप जो Azure में आता है। तो ये रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, इसके अंदर हम सारे रिसोर्स क्रिएट करते हैं। जैसे मैं क्या क्या आता है रिसोर्स ग्रुप में, सपोज एक वर्चुअल मशीन्स बना रहे हो तो उसके लिए हमको चाहिए होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड हमें लोकेशन चाहिए कौन सा लोकेशन में बनाना है, एंड क्या साइज़ क्या होगा उसका, कंप्यूट चाहिए लाइक CPU RAM, ओके गॉट कौन इट। सा इन द डिस्क। सेम वे आई गॉट इट। इन द सेम हाँ वे इन द AWS वी हैव, व्हेन वी क्रिएट अ हाँ वर्चुअल मशीन यू विल गेट वेयर इज द व्हाट इज द CPU, व्हाट इज द हाँ तो अंडरस्टूड ये इन द सब सेम वे। क्या करते हैं, एक रिसोर्स ग्रुप हम बनाते हैं, ये है ना रिसोर्स ग्रुप। तो रिसोर्स ओके ग्रुप इज जस्ट लाइक अ लॉजिकल कंटेनर, इसके अंदर हम सारे ऑब्जेक्ट बनाते हैं लाइक वर्चुअल मशीन्स हो गया, नेटवर्क हो गया, SQL डेटाबेस हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, एंड जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं। ताकि ये रिसोर्स ग्रुप बताने का मोटिव क्या होता है कि सपोज आपके टीम में डेव के टीम है, कोई प्रॉड के टीम है, कोई क्वालिटी का टीम है, तो हम ये रिसोर्स ग्रुप डेव वाले टीम को बना के दे दिए, ये डेव वाला टीम है ये इसको मैनेज कर रहा है, ये टीम हो गया प्रॉड का हो गया, ये हो गया क्वालिटी का हो गया। तो इसके अंदर सारे रिसोर्स है जो क्लाउड में यूज होते, वर्चुअल मशीन्स हो गए, सपोज वीनेट हो गया, SQL DB हो गया। तो ये बनाने का मोटिव है कि हम इसको परमिशन लेवल पे कर सकते हैं। सपोज क्वालिटी का कोई अलग टीम है, हम उसको इस पे परमिशन दे दिए कि क्वालिटी का टीम सिर्फ इसको यूज़ करेगा, ये प्रॉड का हो गया या फिर कोई डेवलपर है या फिर कोई डिफरेंट टीम है, उसको हम एक्सेस वाइज के लिए हम रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं। तो जो कंपनी में, जो हमारे इन्वायरमेंट में है, हमारे इन्वायरमेंट में कम से कम 100+ रिसोर्स ग्रुप है, सब प्रोजेक्ट वाइज है। सपोज मेरे पास एक क्लाइंट है US का, उस क्लाइंट को चाहिए एक वर्चुअल मशीन चाहिए, फाइल सर्वर चाहिए, SQL डेटाबेस चाहिए, तो हम उस क्लाइंट का नाम से हम रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं। लाइक रिसोर्स ग्रुप पे हम रीजन डिफाइन करते हैं, जो नेमिंग कन्वेंशन होता है ना। सपोज मेरा प्रोजेक्ट है, क्या बोलते हैं, सपोज मेरा प्रोजेक्ट हो गया, कोई भी प्रोजेक्ट का नाम बता दो, सपोज कुछ लेनोवो का जावा है, प्रोजेक्ट लेता हूँ। लेनोवो का मेरा क्लाइंट है, तो लेनोवो का क्लाइंट हो गया, एंड ECUS हो गया, इस रीजन का वो क्लाइंट है, एंड क्या ID रहेगा 01। तो इस तरह लोकेशन हम इस तरह नेमिंग कन्वेंशन करते हैं उस रिसोर्स ग्रुप का। जब हम रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे हम ज़्यादा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, फर्स्ट गो टू रिसोर्स ग्रुप। रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? हाँ, सो यहाँ पे मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप है, SCR AKS, ये AKS के लिए रिसोर्स ग्रुप हो गया, ये हो गया VMRG का रिसोर्स ग्रुप हो गया, नेटवर्क रिसोर्स ग्रुप है, तो सपोज ये नेटवर्क टीम इस रिसोर्स को यूज़ करती है, ये हो गया डेवलपर, डेवऑप्स की टीम AKS रिसोर्स ग्रुप को यूज़ करती है। जब इसके अंदर जाओगे देखोगे इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट है, अभी तो नहीं है, जैसे SG साउथ हो गया, VMRG हो गया, जिसके अंदर 6 रिसोर्स क्रिएट है, वर्चुअल मशीन, पब्लिक IP, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क इंटरफेस। तो सिमिलर आई हैव टू गो टू हियर रिसोर्स ग्रुप, एंड हमें रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। फर्स्ट हमें सेलेक्ट करना है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होता है कि आपको बिलिंग पर्पस के लिए सब्सक्रिप्शन और रिसोर्स ग्रुप गिव मी दोनों। 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट, वन एक ही मिनट। सब्सक्रिप्शन अंदर हम मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं।
ना। तो ऑन द टॉप, सबसे टॉप पे सब्सक्रिप्शन आता है, उसके अंदर हम रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम रिसोर्स क्रिएट करते हैं। रिसोर्स में क्या होगा, वर्चुअल मशीन, वीनेट, एनर्जी। जब हम वीएम क्रिएट करेगा तो पता चलेगा क्या क्या रिसोर्स क्रिएट होता है। तो सबसे टॉप पे सब्सक्रिप्शन आएगा, उसके बाद इसके अंदर हम रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन होता है बिलिंग पर्पस के लिए, जब आप यहाँ पे जाओगे सब्सक्रिप्शन के टाइम में। ओके, सब रिसोर्स ग्रुप इज बेसिकली वेयर यू क्रिएट अ द वर्चुअल रिसोर्स मशीन वर्चुअल मतलब रिसोर्स। रिसोर्स, आप ये क्लाउड के को भी रिसोर्स बनाओगे तो आपको रिसोर्स ग्रुप पूछेगा ही पूछेगा। सपोज अभी आप सीक्वल डेटाबेस बनाने जाओगे तो वो जब बनाओ तो रिसोर्स ग्रुप पूछेगा ही। तो रिसोर्स ग्रुप इज लाइक अ लॉजिकल कंटेनर वेयर वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट, मल्टीपल रिसोर्स विच इज इन द क्लाउड। सो क्लाउड के अंदर कोई भी रिसोर्स आप क्रिएट करोगे, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन एंड रिसोर्स ग्रुप, ये मैंडेटरी, ये हमें डिफाइन करना ही करना होगा। सो यू आर टेलिंग बेसिकली अभी क्या बोल रहे हैं आप, रिसोर्स ग्रुप इज मैंडेटरी इन दी अजूर, यस, करेक्ट? सब्सक्रिप्शन एंड रिसोर्स ग्रुप इज मैंडेटरी। तो कोई ओके भी ओके आप ऑब्जेक्ट क्लाउड के अंदर बनाओगे, सपोज सीक्वल डेटाबेस, वर्चुअल मशीन, वर्चुअल नेटवर्क, लोड बैलेंसर, बैकअप, कुछ भी बनाओगे ऑब्जेक्ट, आपको रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही बनाना है, ओके सब्सक्रिप्शन के अंदर ही बनाना है। सो ऑन द टॉप वी हैव सब्सक्रिप्शन, ऐसे अपने इन्वायरमेंट में इंटरप्राइज सब्सक्रिप्शन होता है। यहाँ पे एज्योर सब्सक्रिप्शन है, वहाँ पे क्लाइंट यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन, उसके अंदर हम रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओके हम एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं, एक ये सब्सक्रिप्शन हमने चूज़ किया एज्योर सब्सक्रिप्शन, और इसके अंदर हम टेस्ट आरजी करके रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। ओके दिस रिसोर्स ग्रुप नेम्स आर यूनिक और हाँ, यूनिक होना चाहिए ना, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे, सब एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। सेम वैसे सेम लेगा भी नहीं, जब बनाने जाओगे ना सेम रिसोर्स ग्रुप, वो लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये हो गया, फिर रीजन हो गया। तो एज्यूम के इतने सारे रीजन है, ईस्ट यूएस टू, साउथ सेंट्रल यूएस, वेस्ट यूएस टू, तो इतने सारे रीजन है, मोर देन 30+ रीजन। सपोज आपका क्लाइंट वेस्ट यूरोप का है तो आपको वेस्ट यूरोप में वो सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होंगे जो एज्योर के, लाइक वर्चुअल मशीन्स, डेटाबेस, नेटवर्क, तो इतने सारे लोकेशन हो गए। तो आपको जो रिक्वायरमेंट होगा, जो आर्किटेक्चर आपको HLD देगा कि भाई हमको इस रीजन में ये वर्चुअल मशीन बना के दो, तो फर्स्ट यू हैव टू आस्क लाइक कौन से सब्सक्रिप्शन में बनाना है, क्या रिसोर्स ग्रुप में बनाना है, या नया रिसोर्स ग्रुप बनाना है, तो ये सारी चीज़ उससे पूछना पड़ेगा। तो सपोज इसने बोला कि आप वेस्ट यूरोप है ना, वेस्ट यूरोप में एक वर्चुअल मशीन बना दो, तो वी हैव टू सेलेक्ट द लोकेशन वेस्ट यूरोप। ठीक है, फर्स्ट आई हैव टू चूज ओके सब्सक्रिप्शन, उसके अंदर हमने रिसोर्स ग्रुप लिया, इस रिसोर्स ग्रुप कौन सा लोकेशन में होगा, ये वेस्ट यूरोप हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू गो टू टैग। सो टैग हो गया, जैसे कपड़े में जो लेबल लगा रहता है ना, ये कपड़े का ये मीडियम साइज है, ये कपड़े का करेक्ट ये ब्रांड है, सेम यहाँ पे हम सेम हम टैगिंग करते हैं। मतलब ये जो रिसोर्स ग्रुप है, ये जो रिसोर्स है, कौन सी टीम इसको यूज़ करती है, या ओनर कौन ओके सा, ये रिसोर्स ग्रुप का ओनर कौन सा है। कल को हमें कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करना है या कुछ ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमको उस ओनर को अप्रोच करना होगा। तो हर रिसोर्स ग्रुप कोई ओनर होगा, जैसे मैं एडमिन हूँ तो एडमिन इज अ ओनर फॉर दिस वर्चुअल मशीन, तो उसका नाम यहाँ पे देना होगा। सपोज डेव टीम है, ओनर हो गया, विकास हो गया। सो इस तरह से ये एक लेबल लग गया, टैग लग गया। अगर ये दोगे नहीं भी दोगे उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट हमें ये पता होना चाहिए कि ये रिसोर्स ग्रुप का ओनर कौन है, क्योंकि इन द इन्वायरमेंट वी पर 100,000 रिसोर्स ग्रुप होते हैं, 1,000 रिसोर्स ग्रुप होते हैं, तो हमें नहीं पता ये रिसोर्स ग्रुप कौन सी टीम मैनेज करती है। अगर हमें उसके रिसोर्स ग्रुप में कुछ रिसोर्स क्रिएट करना है या फिर उस वर्चुअल मशीन्स का ओनर का पता करना है, देन वी हैव टू चेक इन द टैग, वो टैग किस टीम को असाइन है, कौन सा ओनर है, तो ये टैग हो, देन वी हैव टू रिव्यू एंड क्रिएट। ओके सो इन द रियल टाइम सिनेरियो द पर्सन विल आस्क ओके ए टीम प्लीज क्रिएट द रिसोर्स ग्रुप
and so and so name and so and so tag and this is the region, ऐसा बोलेगा ना। हाँ देखो जी, ये रियल टाइम है ना, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये रियल टाइम इस तरह का होता है। वेस्ट यूरोप हो गया, इतने सारे वर्चुअल मशीन रनिंग है, दिख रहा है ये बैकअप हो गया। And also after this, like everything, after the completing of admin, can you give me the list of issues? What are the real time scenarios people will come and ask? हाँ वो Because you're working on everyday those things only, right? So what are the basic issues will come? What are the basic questions they'll बेसिक ask? इशू या डेटा विल। Oh, thank you. सो आई हैव क्रिएटेड दिस टेस्ट आर जी, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन्स, सो वी हैव टू गो Where इट did you हियर। see the? Okay, 1 minute. 1 minute. दिस इज द एसओयू टेस्ट आर जी, Yes. So test RG. Okay, या inside the लोकेशन इज resource वेस्ट group, we are यूरोप। creating the virtual machine. Correct. यस, राइट नाउ वी डोंट हैव एनी रिसोर्स हियर, यू कैन सी इट हियर शोइंग 0 0 रिकॉर्ड्स, नो एनी रिसोर्स आर देयर इन द रिसोर्स ग्रुप, नो रिसोर्स मैच यू फिल्टर। तो अभी इस रिसोर्स ग्रुप कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी रिसोर्स नहीं क्रिएट है, यू कैन सी इट हियर डेव, इसका विकास। सो ये डेव क्लस्टर हुआ, ये डेव का रिसोर्स ग्रुप हुआ, ये विकास इज द ओनर हुआ, एंड दिस इज द लोकेशन, ये कौन से लोकेशन में है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन्स, Inside वेट, the resource group. यस। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट, सो जब क्रिएट करेगा उस टाइम ये पूछेगा कौन से सब्सक्रिप्शन में बनाना है और कौन से रिसोर्स ग्रुप में बनाना है। तो सब्सक्रिप्शन अपने पास एक ही है, तो एक वही सब्सक्रिप्शन यूज करेंगे। एंड रिसोर्स ग्रुप, वी हैव मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप, देन आई वॉन्ट टू चूज दिस टेस्ट Got आर it. जी, ये टेस्ट आर Understood. जी हमने बनाया, तो ये टेस्ट आर जी रिसोर्स ग्रुप हुआ। और रिसोर्स ग्रुप जिस लोकेशन में है उसी लोकेशन को चूज करना होगा जब हम वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेंगे, है ना। यहाँ पे देखो आ गया, वर्चुअल मशीन्स का नाम देते हैं डेमो पीएम, एंड रीजन इज वेस्ट यूरोप, एंड द एबिलिटी ऑप्शन ये मैं बाद में कवर करता हूँ, एंड द इमेज, कौन सा इमेज यूज करना है। इमेज पता है, इमेज पता है। सो हाँ, इमेज ऑपरेटिंग सिस्टम। बाय डिफॉल्ट इमेजेस व्हाट एंड ऑल यू हैव? सो बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे सारे इमेज अवेलेबल है, लिनक्स के अवेलेबल है, विंडोज़ के अवेलेबल है, विंडोज़ के 2019 है, फिर तुम्हारे ये उबंटू लिनक्स के सारे अवेलेबल है। बढ़िया तो यार। कोई भी आपको इमेज बनाना है, या तो डेस्कटॉप बनाना है या फिर सर्वर बनाना, सारे यहाँ पे इमेज अवेलेबल होंगे। And when the customer asks, he will give the specification of virtual machine also, right? What image you need in the या जिस machine? हियर यू कैन सी लाइक विंडोज सर्वर, विंडोज 10, विंडोज 11, ओबंटू रेड हैट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, सो सारे में सेंटोएस, सेंटोएस रेड Okay. And one हैट। more question. If somebody asks, these are the latest version of Red Hat सभी। बाद में कोई पूछा तो नहीं भाई मेरे को Red Hat 7th वर्जन चाहिए, नहीं तो 6.5 वर्जन चाहिए, ओल्डर वर्जन चाहिए। अभी ओल्डर वर्जन नहीं है तो वो भी डाल सकते हैं क्या? नहीं, ऑर्डर नहीं, जो माइक्रोसॉफ्ट इसके मार्केट प्लेस पर जाओगे, ये हाँ मार्केट प्लेस में सारे इमेज अवेलेबल होंगे, जो अवेलेबल होंगे उस पर ही जाना होगा। ओके 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 सो बोल ओके सकते हैं क्लाइंट के, माइक्रोसॉफ्ट डज नॉट सपोर्ट दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वी हैव ओनली दिस वन, रेड हैट सर्वर, उबंटू 18, विंडोज सर्वर, सिक्वल सर्वर, तो मालूम ये और जितने अवेलेबल है यहाँ पे मिल जाएंगे। मालूम हो गया, इसलिए मैं पूछा। कोई बंदा आकर मेरे को नहीं भाई मेरे को 6.5 वर्जन चाहिए, ओल्डर वर्जन, सो बाद में बोल सकते हैं नहीं भाई ये नहीं सपोर्ट करेगा यहाँ पे व्हाट मैंने एवर इज। सेलेक्ट किया, यहाँ पे साइज आ गया, तो साइज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि इस रीजन में वो नहीं है, तो अपने को यहाँ पे डेमो आरजी, ये फ्री वर्जन है ना, तो इसमें थोड़ा देखना पड़ता कौन से लोकेशन में फ्री है वीएम। ओके तो अभी हमने वेस्ट यूरोप में देखा तो नहीं है, तो अभी अपने को जाना पड़ेगा यूएसए में जाओ। यूएई नॉट में, देखते हैं यहाँ पे भी नहीं अवेलेबल है, शायद नॉट अवेलेबल।
बहुत सारा किसी भी लोकेशन में जाके देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे भी नहीं अवेलेबल है। So now Azure is very good, like it's going further in the market. पहले ना इसमें इशू नहीं था फ्री वर्जन पे, यहाँ पे कोई भी रीजन सेलेक्ट किया ना अवेलेबल रहता था साइज, बट जब देखो कि ये काफ़ी मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं मतलब साइज को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग अब यूज़ करते हैं लेकिन ना फ्री वर्जन, पहले इतना पता नहीं था। अभी थोड़ा बंद किया होगा। हाँ यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में मिला 1 CPU 1 GB मेमोरी, इसकी ओके कॉस्टिंग है 99 रुपीज़ पर मंथ, 1 महीने में 9 रुपये आएगा। एंड विंडोज़ करना है कि लिनक्स करना है? विंडोज़ करते लिनक्स करो हैं, भाई, लिनक्स करो भाई। लिनक्स करना है क्या? चलो ठीक है विंडोज़ करते हैं, वैसे फिर भी अभी ओके देखना ठीक। है ना। ठीक है ठीक पे डिफाइन करना कौन सा पोर्ट है, तो विंडोज रहा तो 3389 एंड लिनक्स रहा तो 22 पोर्ट, तो ये पोर्ट से वो हम उसको SSH ले सकते हैं या RDP ले सकते हैं। एक मिनट, आई एम नॉट एबल टू हियर, वन फ्यू मिनट्स। ओके, नाउ टेल मी। सो यहाँ पे हमने क्रेडेंशियल डाला, यूजर नेम पासवर्ड, क्या जब हम VM क्रिएट होगा तो उसको लॉगिन कैसे करना है, एंड देन वी हैव टू ओपन द पोर्ट, लाइक RDP बाई डिफॉल्ट 3389 होता है विंडोज़ के लिए एंड लिनक्स के लिए होता है 22 SSH कनेक्शन लेने के लिए। देन वी हैव टू गो टू डिस्क, तो यहाँ पे OS डिस्क को आपको चूज़ करना, PGM लेना है या स्टैंडर्ड लेना है या SSD लेना है। तो प्रीमियम का ज़्यादा अच्छा क्वालिटी रहता है, इसका परफॉर्मेंस वाइज एंड इसका कॉस्ट भी ज़्यादा रहता है। स्टैंडर्ड का थोड़ा मतलब मीडियम रहता है इसका परफॉर्मेंस एंड SSD का सबसे लो रहता है। तो जनरली डिपेंड करता है, अगर आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है तो प्रीमियम SSD पे जाएगा, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। जो डिस्क का होता है इनपुट आउटपुट पे होता है, मतलब उस पर कितना रीड राइट हो रहा है उस डिस्क के ऊपर, उस पर डिपेंड करता है परफॉर्मेंस। तो प्रीमियम का सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है एंड SSD का उससे कम रहता है। तो अभी अपना डेमो है तो हम थोड़ा लोवेस्ट लेते हैं स्टैंडर्ड SSD, ठीक है। एंड देन ओके, यहाँ पे बाकी सेम एज एक डिफॉल्ट रखना है, व्हाट इज कुछ दैट? नहीं है। गो 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 अप गो अप। व्हाट इज दैट? डिलीट विथ वीएम एंड इंक्रिप्शन द होस्ट। डिलीट विथ VM, तो जब भी हम डिलीट करेंगे ना VM को तो ये डिस्क भी डिलीट हो जाना चाहिए, ऐसा है। क्योंकि हम जब डिलीट करते हैं वर्चुअल मशीन्स को तो डिस्क डिलीट नहीं होता, हमको उसको अलग से डिलीट करना होगा, डिस्क को अलग से नेटवर्क डिलीट करना होगा, अलग से नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट करना होता है। तो ये ऑप्शन है कि डिलीट विथ VM, जब हम VM डिलीट करें तो इसके साथ ये डिस्क भी डिलीट हो जाए, ये ऑप्शन है। तो जनरली हम नहीं रखते क्योंकि बाय एक्सीडेंटली कभी डिलीट हो गया वॉशिंग मशीन तो उसका डिस्क हम यूज़ कर सके, इन फ्यूचर कभी कुछ डेटा लेना हुआ या फिर किसी दूसरे वॉशिंग मशीन से कनेक्ट करना हुआ वो डिस्क को, देन उस टाइम पे ये हेल्प करेगा, इसलिए हम ये चेकआउट रखते हैं। एंड देन व्हाट यहाँ इज दैट पे एक्सपीरियंस इंक्रिप्शन? व्हाट इज दैट इंक्रिप्शन होस्ट?
इनक्रिप्शन होस्ट यहाँ पे कैचे टेम डिस्क इफेवेल डिस्क ऑन द, मतलब गॉट ये इट, इनक्रिप्ट कर दिया, मतलब वो डिस्क को इनक्रिप्ट करके रखेगा ऐसा है। करेक्ट, एंड इनक्रिप्शन टाइप यहाँ पर टाइप है मैनेज की, मैनेज की अगर वो की अगर जनरेट करना हुआ तो उसके लिए है डिफॉल्ट इनक्रिप्शन एट रिस्क यहाँ पे डिफाइन करना होगा, तो इसको बाय डिफॉल्ट ही लेते हैं हम लोग, यूज़ नहीं करते इसको। अब ये डेटा डिस्क हो गया, तो यहाँ पे डेटा डिस्क आ गया कि अगर आपको ये तो ओएस का डिस्क हो गया, यहाँ पे ओएस का डिस्क, ओएस का ओएस डिस्क हो गया है ना, जैसे विंडोज़ 12 है तो उसका ओएस डिस्क है। अब आपको चाहिए कि इसमें हम डेटा डिस्क भी ऐड करना हुआ तो ये हम बाद में भी कर सकते हैं और अभी भी बना सकते हैं, ठीक है। ओके, वन तो गो अप ए क्लास अटैरो गो अप व्हेन यू सेलेक्टेड एसएसडी स्टैंडर्ड एसएसडी कोई डिफाइन किया है क्या, कितना जीबी यूज करेगा वी हाँ, ये ओ एस बाय का, बाय डिफॉल्ट ये 128 रहता है, 120 जीबी, 128, हाँ 128 GB मिलेगा इसको, हाँ ओके 128 जीबी फॉर ओनली फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड आप रहे, ओके अपने को डेटा डिस्क यहाँ पे मैक्सिमम हम 2 TB यूज़ कर सकते हैं, एंड ये हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हो। तो डिस्क में बहुत टाइप के होते हैं, एक मैनेज डिस्क होता है, एक अनमैनेज डिस्क होता है, तो वो चीज़ जब डिस्क का टॉपिक आएगा तब ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि ओके जब अनमैनेज डिस्क में भी 4 तरह के होते हैं, ब्लॉक ब्लॉक होते हैं, फिर अपेंड ब्लॉक होते हैं, पेज ब्लॉक होते हैं, तो अभी उतना डीप में नहीं जाते, अभी सिंपल एक VM करते हैं, बाकी जब डिस्क का टॉपिक आएगा स्टोरेज का तब ज़्यादा अंदर जाते हैं। देन नेटवर्किंग, तो गो नेटवर्किंग बैक, में गो बैक टू द प्रीवियस पेज, 1 मिनट. व्हाट इज दी, गो स्क्रॉल डाउन, व्हाट इज द एडवांस्ड, गो क्लिक ऑन वो एडवांस. मैनेज डिस्क होता है ना, मैनेज डिस्क होता है, एक अनमैनेज डिस्क होता है, तो ओके मैनेज ओके डिस्क सर, होता है जो मैनेज बाय माइक्रोसॉफ्ट रहता है, अनमैनेज डिस्क हो गया जो हम मैनेज करते हैं, हम उसके लिए ओके स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे फिर वहाँ पे हम डिस्क बनाएंगे, तो ठीक ये है, अभी गॉट इट. लीव एजेंटिक छोड़ते हैं, फिर नाउ नेक्स्ट नेटवर्किंग। सो यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क, मतलब ये VM को कौन से नेटवर्क के साथ अटैच करना है, या तो हम नया अपना खुद का VNet बना सकते हैं और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अभी ये बाय डिफॉल्ट उठा रहा है कि इसको कौन सा VNet में बनाना है, क्या सबनेट रहेगा और पब्लिक IP क्या रहेगा, तो ये बाय डिफॉल्ट उठा रहा है, लेकिन जब हम नेटवर्क का टॉपिक में आएंगे तब वहाँ पे हम खुद का VNet बनाएंगे, खुद का सबनेट बनाएंगे एंड देन उस नेटवर्क पे हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। तो जनरली इन्वायरमेंट में अपना खुद का VNet होता है, खुद का सबनेट होता है, ठीक ओके, है। ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हो गया कि कोई भी पोर्ट को अलाउ करना हुआ, कोई भी ट्रैफिक इनबाउंड रूल होता है, आउटबाउंड रूल होता है, वो नेटवर्क का टॉपिक में करते हैं, ठीक है। ये कौन सा पोर्ट ओपन करना हुआ, कौन सा नहीं करना हुआ, ये चीज़। एंड ये भी वही ऑप्शन है कि जब हम VM डिलीट करेंगे तो पब्लिक IP और निक भी डिलीट हो जाना चाहिए। जनरली क्या होता है कि जब हम VM डिलीट करते हैं ना, तो उसका डिस्क हो गया, उसका पब्लिक IP हो गया, उसका निक कार्ड हो गया, ये सब डिलीट नहीं होता है ना। गॉट तो इट, अगर चाहते हो कि वो भी डिलीट हो जाए तो यहाँ पे ये टिक मार्क कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा सही है ना कि अगर कभी एक्सीडेंट VM डिलीट हो गया तो मेरे पास रहेगा डेटा, रहेगा निक कार्ड रहेगा, तो हम फिर से दोबारा VM बना सकते हैं एंड पुराने डिस्क को यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए देन ये मैनेजमेंट हो गया, बूट डायग्नोस्टिक सिस्टम असाइनमेंट लॉगिन विथ एज़्योर रेडी, तो ये हो गया मतलब मैनेजमेंट हो गया कि बूट डायग्नोस्टिक होता है कि जब VM डाउन हो जाता है एज़्योर का वर्चुअल मशीन, तो बूट डायग्नोस्टिक में हम देखते हैं कि क्या मतलब उसका स्क्रीनशॉट क्या रहता है, वो जब ट्रबल शूट के टाइम आएगा ना तब दिखाएंगे कि बूट डायग्नोस्टिक में रहा तुम्हारा जो VM का जो स्क्रीन है तो वो कौन सा स्क्रीन में वो दिखता है, वहाँ पे कभी ब्लैक स्क्रीन रहता है, कभी पर्पल स्क्रीन होता है, कभी OS क्रैश होता है तो कौन सा स्क्रीन रहता है, तो वो ट्रबल शूटिंग ये एज अ मॉनिटरिंग हो गया कि हम वहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं VM का क्या स्टेटस है, क्योंकि यहाँ पे अपना कंट्रोल नहीं है ना हार्डवेयर का, जैसे अपना पहले क्या होता था
कि अपना हार्डवेयर रहता था, हार्डवेयर रहता था, हम डीरैक से जाके कंसोल से देख सकते थे क्या स्टेटस है ना, डीरैक होता था या एसपी का मशीन रहा तो वहाँ से मालूम हो आईडीएल से गया, देख सकते थे, आईडी रैक, आईडी रैक। आईडी रैक, तो वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पे हमें कंट्रोल नहीं हार्डवेयर का, अगर ये वीएम डाउन हो जाता है या वीएम को आरडीपी नहीं मिलता है, देन हम कहाँ से फिर चेक करेंगे वो चीज़। इन फिजिकल मशीन में क्या होता था या फिर वीएमवेयर पता है? फिजिकल मशीन में आईडी रैक में हाँ लॉगिन आईडी करो, रैक, पूरा हाँ मिल। हाँ वीएम अगर आरडीपी नहीं होता तो हम आरडी रॉक में जाके वहाँ से हम रिबूट या रिस्टार्ट कर सकते थे, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो उसके लिए भी एक दो ऑप्शन है, जैसे सीरियल कंसोल हो गया, बूट डायग्नोस्टिक हो गया, तो वो ट्रबल शूटिंग में देखते हैं। ये एज्यूर रेडी हो गया, मतलब ये चाहते हैं ये वीएम को एज्यूर रेडी से इंटीग्रेट करना, मतलब इस वीएम पे जो एडी के जो यूजर है वो इस पे कनेक्ट करे, तो वो चीज़ है यहाँ पे एज्यूर रेडी या फिर व्हाट मैनेज इज एक्सेस आइडेंटिटी क्या। या व्हाट इज बोलो बोलो। हाँ तो ये हो गया मैनेज आइडेंटिटी, हो गया मतलब ऑथराइजेशन के लिए कि क्योंकि कोई भी बाहर का बंदा इस मशीन को एक्सेस नहीं कर सके, या तो आप एज्यूर एडी से जाओ या मैनेज आइडेंटिटी से जाओ। तो ये हो गया फॉर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, लाइक ये आइडेंटिटी टूल हो गया कि ये बस जो भी यूजर इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, सपोज मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ तो मैं ही इस वीएम को एक्सेस कर सकता हूँ, कोई बाहर का यूजर नहीं कर सकता, ठीक है। और एंड ये ऑटो शटडाउन हो गया, मतलब ये ऑटो शटडाउन अगर इसको टिक मार्क करेंगे तो ये इस टाइम पे अपने आप बंद हो जाएगा अंडरस्टूड और इस टाइम पे वो अप आ जाएगा। एंड ये बैकअप हो अंडरस्टूड गया, ये एनेबल बैकअप करेगा तो इसमें वीएम का बैकअप एनेबल हो जाएगा, किस टाइम पे हमें लेना है, तो वो बैकअप का भी टॉपिक उसमें और डिटेल में जाएंगे कैसे करना। अभी सबको बाय डिफॉल्ट ही लेते हैं सेम एज इट इज़, देन एडवांस टॉपिक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताने का, होस्ट ग्रुप कैपेसिटी रिजर्वेशन इसको सेम एज इट इज़ रहते हैं। एंड देन द टैग वर्जन, टैग इज सिमिलर कि ये वीएम को कौन सा यूजर यूज करेगा, सपोज ये प्रॉड का वीएम है और इसको कोई मॉनिटरिंग टीम मैनेज करती है या मॉनिटर के सर्वर है। एंड देन रिव्यू एंड क्रिएट, On, if you go back, there was a one more called resources, 12 lesser the tax में. Okay. Tax में क्या है वो? ये जो हम वर्चुअल मशीन बनाए ना इसके अंदर ये Okay. सारे रिसोर्स क्रिएट हो रहे हैं, डिस्क हो गया, वीटी सेट हो गया, नेटवर्क इंटरफेस हो गया, तो ये चीज़ ये टैग सारे में अप्लाई हो जाएंगे, स्टोरेज अकाउंट हो गया, वर्चुअल मशीन हुआ, ये चीज़ हुआ। So whatever we have done till now, it will showcase there. हाँ क्योंकि जब हम यहाँ से यहाँ तक आए तो हम बहुत सारी चीज़ बनाए, एक तो डिस्क Correct. बनाए, नेटवर्क बनाए, मैनेजमेंट एडी का बनाया, तो वो सारी चीज़ हो गया कि टैग में ना जो अगर टैग यहाँ पे दोगे वो चाहते सारे में अप्लीकेबल हो जाए, वो चीज़ है। अगर चाहते हैं कि हम ये टैग इस रिसोर्स में नहीं देना चाहते, हम एबिलिटी सेट में नहीं देना या डिस्क में नहीं देना चाहते, तो इसको आप अनचेक कर दो, तो ये बस 10 ही रिसोर्स पे ये टैग चला जाएगा। देन रिव्यू एंड गॉट क्रिएट, तो वैलिडेशन पास हो गया, देन क्रिएट।
So, whenever we create a virtual machine, it should be in the resource group only, correct? रिसोर्स ग्रुप एंड सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी है, उसके बिना आप कुछ भी रिसोर्स नहीं बना सकते। कुछ भी रिसोर्स बनाने जाओगे तो वो डिटेल मांगेगा ही मांगेगा। And there is no nothing. Have you worked on AWS? AWS पे वर्क तो किए नहीं है, बट पता है। क्या बोल रहे? अभी और एक बात, इन AWS में एक वर्चुअल मशीन बनाने के लिए लिनक्स कुछ वैसा बनाने के लिए SSH में एनक्रिप्ट रहता है और डिक्रिप्ट कर रहा है. सो एनीथिंग समथिंग लाइक इन दिस ईयर. हाँ करेक्ट. हाँ, तो यहाँ भी लिनक्स बनाओगे तो पूछा है ना पब्लिक की प्राइवेट की बनाने का। वो नहीं, वो नहीं, वो वाला नहीं. तो सो व्हेन यू गट दे विल गेट अ सी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ वर्चुअल मशीन एट द लास्ट स्टेप यू विल गेट सम कोड दैट यू नीड टू गो टू द पट्टी सेशन एंड यू नीड टू जनरेट इट द की एंड यू विल गेट एन आईपी एड्रेस देन यू नीड टू अपडेट इट. सो इन ईयर आफ्टर क्रिएटिंग द वर्चुअल मशीन हाउ यू कनेक्ट टू द आरडीपी. तो अभी आपने ये वर्चुअल मशीन बनाया, सो ये वर्चुअल मशीन बन गया यहाँ पे, ये डेमो वीएम बना यहाँ पे। तो इसका ये पब्लिक आईपी है ना, इस पब्लिक आईपी कॉपी करो और ये आरडीपी यहाँ से जाओ, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। Okay, got it. So that is one way. So हाँ, if it is Linux system, सो यहाँ पे यूज डिफरेंट अकाउंट, क्या नाम था, तेजस लिए थे क्या? ये आईडी पासवर्ड, वेलकम 3456। okay. What about Linux system के लिए? तो लिनक्स में भी सेम है, वहाँ पे भी ऑप्शन रहता है। जैसे ये मैंने लिनक्स बॉक्स है क्रिएट कर रखा है, ये लिनक्स बॉक्स है, यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पब्लिक की को कॉपी करो। एस पट्टी में जाओ, ओपन करो. हाँ, ये देखो ये आरडीपी आ गया जो हमने बनाया था अभी। सेम यहाँ पे फुटी पे गए, गॉट इट. ये देन दिस इज गुड गाने मैन, यहाँ पे दिस इज गुड बिकॉज जा रहे। इन लिनक्स में इन द AWS में यू विल गेट वन की. Okay, that you need to encrypt that key will be encrypted. यहाँ पे कनेक्टेड हो गए, ये DFI Yes. कनेक्ट। Got it. Very good, man. एंड दिस इज द आरडीपी, ये दूसरे Very good. विंडोज सिस्टम। So with the internet you will get. That's really good. तो ये हो गया इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे 126 GB का, 127 GB का यहाँ पे डिस्क आ गया हो इसका। ये टेम्पररी डिस्क है, इसमें अगर कुछ भी डेटा सेव करोगे, जब भी वीएम रिबूट होगा यहाँ से ये डेटा चला जाएगा। तो ये टेम्पररी स्टोरेज में हम कुछ भी अनवांटेड चीज़ नहीं रखना यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हो गया टेक्स्ट फाइल, सो ये मैंने यहाँ पर रखा। अब इसको हम रिबूट करके देखना, यहाँ से वो डेटा चला जाएगा। तो वो दिखाना है कि समझ जाओगे? ओ टेम्परेरी स्टोरेज यू शुड नॉट सेव एनीथिंग इनसाइड दैट. हाँ, इनसाइड। हाँ, क्योंकि ये छोटा मशीन है, ओ जब बड़ा मशीन लोगे ना तो वहाँ पे तुम्हारे टेम्पररी स्टोरेज एक एक 200 GB, 100 GB, 50 GB का मिलता है। तो यहाँ पे हम डेटा नहीं बढ़िया. रखना, डेटा अपना एक डेटा डिस्क ऐड करेंगे, वहाँ से हम अपना डेटा रख सकते हैं। अभी डेटा डिस्क भी ऐड करते हैं। तो ये वर्चुअल मशीन हो गया, ये विंडोज़ का है, नीचे वाला लिनक्स का है। तो अभी विंडोज़ के मशीन हो गए, यहाँ पे हम चाहते हैं इसका डेटा को ऐड करना, एक डेटा डिस्क ऐड करना। तो गो टू क्रिएट एन अटैच न्यू डिस्क, सिंपल आप इस वीएम के अंदर जाएंगे, देन यहाँ पे ऑप्शन है सेटिंग्स में डिस्क ऑप्शन। तो इस डिस्क में ये हो गया ओएस का डिस्क 127 GB,
तो इंटरव्यू पूछता कि बाय डिफॉल्ट ओएस का साइज़ क्या रहता है। तो बाय डिफॉल्ट ओएस का साइज़ 127 GB रहता है। एंड इफ़ यू वांट टू ऐड अ न्यू डिस्क तो यहाँ से ऐड करना, क्रिएट एंड अटैच न्यू डिस्क। यहाँ पे डिस्क का नाम दे दो, आप डिस्क 01 दे दिए। स्टोरेज टाइप पे हमने बताया था, प्रीमियम होता है, SSD होता है, HDD होता है। तो अभी हम SSD लेते हैं या HDD लेते हैं। तो इसका 32 GB मिल गया, ये HDD हो गया, एंड अदर लीव एज इट इज़। तो इसको हम जब सेव करेंगे तो ये डिस्क यहाँ पे अटैच हो गया 32 GB का। बढ़िया, रियली गुड मैन, सो अपडेटिंग द वर्चुअल मशीन। अकॉर्डिंग। हाँ अभी हम जाके यहाँ पे देखते हैं वो डिस्क अटैच हुआ कि नहीं। रिफ्रेश करना है और नहीं नहीं रिबूट वो करना है। हाँ, डिस्क मैनेजमेंट से करना पड़ेगा ना। डिस्क मैनेजमेंट में जाना है, करेक्ट, कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाकर। तो टास्क कहाँ पे गया, डिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, कंप्यूटर मैनेजमेंट। तो कोई बात नहीं, यहाँ से चल जाते हैं। नेट लिखो कंप्यूटर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर डिस्क टू है ना 31 एलोकेट, जो हमने 32 GB डाला उसका न्यू सिंपल वॉल्यूम्स नेक्स्ट 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 फिनिश। तो ये एक डिस्क ऐड हो गया यहाँ पर, यू कैन सी इट हियर, 32 GB का। अब यहाँ पे अपना राइट, डेटा रख सकते हैं। तो हम चाहते हैं एक और डेटा ऐड करना, तो सेम वी सिमिलर वे ये वी हैव टू अंडरस्टूड। गो हियर एंड ऐड करना है। डिस्क का नाम देना है एंड क्या साइज देना है, कौन सा स्टोरेज टाइप देना है, प्रीमियम देना है, SSD देना है। अब हम चाहते हैं कि बढ़िया, इसका कंप्यूट साइज बढ़ाना चाहते हैं, कि साइज हो गया ना, ये डिस्क हो गया। अब हम चाहते हैं इसका रैम और CPU बढ़ाना। अभी इसका CPU है 1 GB है, 1 GB रैम। मैं चाहता हूँ इसका 8 GB रैम बढ़ाना, तो CPU भी बढ़ेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलता कि आपको CPU कितना बढ़ाना है, आपके पास जो ऑप्शन है उसी के अकॉर्डिंग जाना है। सपोज तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट है 8 GB रैम बढ़ाने का, तो ऑटोमेटिक CPU भी उसका बढ़ेगा। तो ये हम नहीं कह सकते कि हम सिर्फ रैम बढ़ाए CPU सेम रहे, वैसा नहीं हो सकता। जो सो आप ओके, सो नाउ इट्स अ फ्री सब्सक्रिप्शन, बाय डिफॉल्ट इट इज गिवन 2 CPU, 8 RAM, नहीं एट नहीं जीबी रैम नहीं 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 वो बाय गिवन नहीं होता है। सपोज ये आपने 2 GB 8 GB का रैम दिया है, 2 CPU कोर है, लेकिन इसके ऊपर यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा जा रहा है। इसका जब हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो CPU इसका 90% जा रहा है, मेमोरी इसका 90% जा रहा है। तो क्लाइंट बोलता है मेरा VM का परफॉर्मेंस बहुत लो है, इसका आप अपग्रेड कर दो, इसका मेमोरी और CPU बढ़ा दो ताकि इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। तो उस केस में क्या करेगा, ठीक है मैं इसको 16 GB बढ़ा देता हूँ और CPU 4 GB 4 कोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस में हम अपग्रेड करते हैं, हम वर्चुअल मशीन को बढ़ाते हैं कॉन्फ़िगरेशन, कैसे है। है ना। तो जाओगे उसके वहाँ पे, उस मतलब जो भी साइज़ का लेना है, सपोज क्लाइंट ने बोला कि 8 GB रैम वाला सिलेक्ट कर दो, तो इसको सिलेक्ट करना है, रिसाइज करना, ये हो जाएगा। ओके, सो क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर एंड क्लिक ऑन रिसाइज। हाँ क्लिक ऑन पार्टिकुलर एंड क्लिक ऑन रिसाइज, देन ये आपका हो जाएगा। तो इसके लिए रिबूट चाहिए होता है जब भी हम, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ एंड जब ऑल्सो भी वन मोर क्वेश्चन, साइज को रिसाइज करेंगे
रिबूट करना है, करेक्ट, नीड सो रिबूट दैट इट करना, विल डाउन टेक टाइम एफेक्ट, लगेगा। अगर हम करेक्ट. डिस्क को भी इंक्रीज करते हैं तो भी रिबूट लगेगा, करेक्ट. ठीक है ना। वन क्वेश्चन फॉर ऑल, यस हाँ दैट इज, देयर इज एन अदर मशीन्स आल्सो, वी नीड टू टर्न ऑफ, देन वी नीड टू इंक्रीज द साइज एंड द डिस्क, देन ओनली इट विल शोकेस, करेक्ट, इन अदर मशीन्स आल्सो, इन अदर वीएम्स. हाँ मतलब डिस्क में क्या है, डिस्क अगर न्यू डिस्क ऐड किया तो नो नीड टू रिबूट, न्यू डिस्क ऐड किया ना तो रिबूट नहीं लगेगा, नो रिबूट। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग डिस्क को आप इंक्रीज करते हो ना देन यू नीड टू रिबूट, एंड अगर साइज को भी बढ़ाते तो रिबूट लगेगा। तो डाउन ओके, टाइम हमें लेना होगा क्लाइंट से, अगर कुछ भी हम चेंज किया तो वी नीड डाउन टाइम, ठीक है। गॉट इट भाई. तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब चाहते हैं कि हम ये रिसोर्स वीएम हो गया, हम चाहते हैं इस वीएम पे या इस रिसोर्स ग्रुप पे हमको परमिशन लेना है ना, ये वाले रिसोर्स ग्रुप को ये बंदा सिर्फ एक्सेस करे, तो हमको आईएम पे जाना होगा, एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल में जाके यहाँ पे ऐड ऑप्शन है, ऐड पे जाओ, ऐड रोल असाइनमेंट, ठीक है। तो हम इस रिसोर्स ग्रुप पे इस बंदे को एक्सेस देंगे, जैसे ऐड रोल असाइनमेंट पे गए तो क्या एक्सेस देना, ओनर एक्सेस देना है, कंट्रीब्यूटर देना है, रीडर देना है, या फिर बिल्ड वाइज देना, मतलब जैसे एसीआर हो, ये सब तो एडवांस है, तो जनरली हम ओनर देते हैं या कंट्रीब्यूटर देते हैं। सपोज मेरे ही टीम में कोई नया बंदा ऑन बोर्ड होता है तो उसको हमको एक्सेस देना है इस रिसोर्स ग्रुप पे, तो हम ये कंट्रीब्यूटर सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। एंड द मेंबर, क्या मेंबर का क्या नाम रहेगा, सेलेक्ट मेंबर, यहाँ पे हम सपोज ये रमेश है या फिर ये यूजर है, यहाँ पे हम इस यूजर का आईडी डालेंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अभी ये Because रमेश, it should be, yes, it should be connected to Active Directory, यस correct? एक्टिव डायरेक्टरी, हाँ, क्योंकि कोई भी नया बंदा आता है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसका एक आईडी बनता है ऑर्गेनाइजेशन आईडी, लाइक एक्टिव Correct. डायरेक्टरी में, तो वो चीज़ But this यहाँ resource group should be, connected to Active Directory. नहीं, रिसोर्स ग्रुप तो ऑलरेडी कनेक्टेड है ना, ये एजूर का होता है ना, ये कनेक्टेड रहता है एजूर Correct, आईडी के correct, साथ। correct. हाँ In a resource group, there is an option called connect to Active Directory, correct? हाँ हाँ देन यहाँ पे So we उसने, need to, you need to click a check mark there. देन यहाँ इस बंदे को एक्सेस किए, यहाँ सिलेक्ट किए, एंड देन नेक्स्ट, तो ये बंदे को एक्सेस मिल गया, या तो ओनर दो, कंट्रीब्यूटर दो, या लीडर दो। ये रोल असाइनमेंट है, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी देखो ये बंदे को हमने दिया एक्सेस, अभी कंट्रीब्यूटर है, ये अभी एक ही यूज़र और भी यूज़र बना के दे सकते हैं। तो इस तरह से हम हो गया एक्सेस मैनेजमेंट करते हैं, एक्सेस देना हो गया या फिर डिनाई देने करना हुआ, तो ये आईएम जो होता है ना एक्सेस कंट्रोल, इसको आर बैक कहते हैं, आर बैक, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो इस तरह हम रोल बैक एक्सेस देते हैं, या तो हम कंट्रीब्यूटर दिए, ओनर दिए, ठीक है। ये वर्चुअल गुड. मशीन्स हो गया, सो वेरी इन 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 IAM, दैट इज ओनली वन ऑप्शन यू हैव टू शोकेस, और हाँ, ये में या तो आप वीएम के अंदर भी दे सकते हैं या रिसोर्स ग्रुप पे दोगे तो इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जितने भी रिसोर्स है सब पे उसको एक्सेस मिल जाएगा। अगर हम चाहते हैं जस्ट सिर्फ पार्टिकुलर वीएम पे देना देन यू हैव टू गो टू दैट वी वर्चुअल मशीन एंड यू हैव टू गिव द परमिशन हियर एड रोल असाइनमेंट। okay, what is that view my access and managed identity? सो व्यू माई एक्सेस मतलब आपको क्या एक्सेस है यहाँ पे आपका दिखेगा, तो तुम्हें यहाँ कंट्रीब्यूटर है, ओनर, दोनों का एक्सेस है, तो ये अब मेरा दिखेगा कि आपको क्या एक्सेस है इस वर्चुअल मशीन पे, ठीक है। ये Okay, so टैगिंग what हो about गया, हाँ, go to the what is that managed identity नीचे में? मैनेज आइडेंटिटी आपको क्रिएट करना होगा, ये भी एक ऑथेंटिकेशन मेथड है, मैनेज आइडेंटिटी के थ्रू जाना या फिर सर्विस प्रिंसिपल या यूजर ग्रुप के थ्रू। मतलब मैनेज आइडेंटिटी में क्या करते हैं कि हम एक आइडेंटिटी बनाते हैं और उस पर एक्सेस देते हैं, सेम यहाँ पे भी यूजर एंड ग्रुप, या तो यूजर बेस बना सक दे सकते हैं या मैनेज आइडेंटिटी।
जनरली आपको यूजर ही मिलता है ना, आप कोई भी बंदा आता है वो यूजर रहता है, यूजर के आईडी से ही हम देते हैं। ठीक है, ठीक है, व्हाट इज दैट ग्रांट एक्सेस टू दिस रिसोर्स, ओके असाइंड रोल फॉर दिस रिसोर्स, हाँ ओके गॉट वो इट, मतलब उसको ऐड करना, उस लेवल पे लेना। तो ये नेटवर्किंग हो गया, मतलब नेटवर्किंग बताए थे कि इस वर्चुअल मशीन पे कौन सा पोर्ट अलाउ करना, मतलब इस वर्चुअल मशीन के थ्रू कौन सा पोर्ट ओपन होना चाहिए। सपोज हम ये आरडीपी वाला पोर्ट हटा देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, देन वी आर नॉट एबल टू टेक द आरडीपी ऑफ दिस वर्चुअल मशीन्स। तो ये एनएसजी को हम कह सकते हैं कि इंटरनल फायरवॉल हो गया, समझे, नेटवर्क के हम करेक्ट नेटवर्क काम का किया ना करेक्ट पहले। करेक्ट करेक्ट, हाँ तो ये सेम हाँ वैसे ही है, ये हो गया इंटरनल फायरवॉल। अभी हम यहाँ पे देखो जाओगे, देखो आरडीपी इसका चला जाएगा, अभी तो है लेकिन जब दोबारा हम लेने जाएंगे आरडीपी तो मिलेगा नहीं। मिल रहा भाई इसको? नहीं अभी यूजर नेम पासवर्ड देगा, बाद में नहीं जाएगा अंदर। ज़्यादा एक मिनट ठहरो, डिलीट तो हो गया, रिफ्रेश करता हूँ। अब नहीं जा रहा डीपी, क्योंकि यहाँ पे ये पोर्ट ओपन नहीं है, क्योंकि आरडीपी का पोर्ट होता 3389। तो हम चाहते हैं ये आरडीपी, ये देखो चला गया इसका आरडीपी, तो हम चाहते हैं इसका ये पोर्ट ओपन करना। तो ये हम नेटवर्किंग के अंदर इसको नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कहते हैं, एनएसजी। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन हो गया 3389, तो ये सोर्स एनी पोर्ट रेंज कोई भी हो जाए, डेस्टिनेशन कहीं भी जाए, ये हम डिफाइन करते हैं। प्रोटोकॉल एनी, एक्शन आइटम अलाउ, प्रायोरिटी 100। तो इस तरह से हम ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं। ठीक है ना, नेटवर्क के टॉपिक में और डिटेल में जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखो बन जाएगा अभी। नाउ 3389 पोर्ट हैज बीन ओपन हियर। और वी हैव टू गो, तो ये आरडीपी आ जाएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा रिफ्लेक्ट होने में क्योंकि ज़्यादा नहीं टाइम लगा था। तो ये आरडीपी इसको मिल जाएगा। तो वैसे ये कनेक्ट करने का है, जैसे हम कनेक्ट पे जाएंगे तो ये डाउनलोड आरडीपी फाइल, एसएसएच रहा तो यहाँ से ये डॉट पेम वाला आ गया, या फिर ये अब बैसन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कनेक्ट करने के ऑप्शन, या तो हम सिंपल आरडीपी ले सकते हैं। ये डिस्क हो गया, हम कैसे डिस्क को ऐड करना, डिस्क को डिलीट करना, हम चाहते हैं डिस्क को डिलीट करना तो कैसे डिलीट करना है, यहाँ सिंपल जाना, ये डिटैच कर देना, ये डिलीट हो गया। इसको सेव करोगे तो ये डिटैच हो गया ये डिस्क। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्क को ऐड करना हुआ, डिलीट करना हुआ, हम यहाँ से कर सकते हैं डिस्क वाले ऑप्शन में जाकर। वैसे ही साइज़ का भी हो गया, साइज़ को हमें इंक्रीज करना हुआ, सीपीयू मेमोरी तो वो हम कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है ट्रबल शूटिंग अलर्ट, पोर्ट डायग्नोस्टिक, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, ये हो गया तुम्हारा सिक्योरिटी का हो गया, कि जो वल्नरेबिलिटी होता है ना कि इस सिक्योरिटी के लिए, तो ये यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड, इस सब वल्नरेबिलिटी टूल। व्हाट इज दैट माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर? माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर हो गया सिक्योरिटी के लिए हो गया, मतलब इस अगर वर्चुअल मशीन पे कोई पैचेज मिसिंग है, या फिर इस वर्चुअल मशीन पे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, इस पे कोई अपडेट नहीं गया,
इसका कुछ पैकेज है और क्या ओल्डर हो गया, कुछ नया पैचेज आया तो वो यहाँ पे अलर्ट आएगा, इस वर्चुअल मशीन को तुम पैच करो, क्योंकि हमें पैच करना होता है ना टाइम टू टाइम, तो वो अलर्ट यहाँ पे आ जाएगा जब ये एनेबल करोगे तो। वैसे एडवाइज़र हो गया, यहाँ तो कुछ नहीं है अभी एडवाइज़र में। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन भी कुछ नहीं है, ये CI/CD में आ जाता है, कंटिन्यूस डिलीवरी जब पाइपलाइन बनाओगे तो। एवरीटी एंड स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा कुछ नहीं है, बस इसी तरह फीचर्स है और कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गया कि VM का क्या डिटेल है, रनिंग स्टेटस है, कौन सा क्या IP है, एंड रिसोर्स ग्रुप कौन सा है, और सब्सक्रिप्शन नेम क्या है। और यहाँ पे ऑपरेशन हो गया, इस VM के चाहते हैं बैकअप से शेड्यूल करना तो बैकअप करा सकते हैं, या फिर इस VM को चाहते हैं डिजास्टर रिकवरी ASRA पे करना है, मतलब एक VM यहाँ हो एक VM यहाँ पे हो, उन दोनों के बीच So you will वो show, डिजास्टर do you रिकवरी। show how to take a backup and disaster recovery? हाँ बैकअप करके डिजास्टर रिकवरी का मेरे को खुद देखना पड़ेगा, ऐसे कर सकते हैं डिजास्टर रिकवरी भी। क्योंकि अभी कोई बंदा आकर मेरे को डिसास्टर रिकवरी क्रिएट करो ऐसा बोलेगा क्या? नहीं अभी तो नहीं बोल सकता क्योंकि ये तो बहुत कम ही होता है, बट कर सकते हैं, ये दिखाऊंगा मैं डिजास्टर रिकवरी का भी कि कैसे करना है। ठीक है, और ये मॉनिटरिंग हो गया, लाइक अलर्ट अगर कुछ VM डाउन होता है या फिर कुछ रहा तो अलर्ट यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। और ये ट्रबल शूटिंग है, बूट डायग्नोस्टिक हो गया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखेगा आपको वर्चुअल मशीन्स का क्या स्टेटस है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, तो कभी ये ब्लू स्क्रीन हो गया, कभी ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा, कभी पर्पल स्क्रीन होगा, तो कुछ भी स्क्रीन का जो लाइव दिखता है ना वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है ना, अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना हुआ, सपोज आप भूल गए इस VM का पासवर्ड रीसेट करना, या फिर आप भूल गए आपका पासवर्ड क्या है, तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो पासवर्ड। सपोज यूजर नेम पता है आप पासवर्ड भूल गया, तो वहाँ से रीसेट कर सकते हो वर्चुअल मशीन्स का पासवर्ड को, रीसेट कॉन्फ़िगरेशन भी मतलब क्लिक करो। रीसेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया जो RDP का होता है ना, कभी कभी होता है VM का RDP नहीं मिल रहा, तो उस केस में हमको क्या करना होगा, रीसेट करना होगा कॉन्फ़िगरेशन वाली, मतलब वो जो वर्चुअल मशीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको सिर्फ रिस्टार्ट करेगा, इंटायर वर्चुअल मशीन को रिबूट नहीं करेगा, उसका सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट को रिबूट करेगा। तो ये सब चीज़ होता है ट्रबल शूटिंग में यूज़ करते हैं हम ये सब चीज़ें, जैसे री डिप्लाई हो गया, री अप्लाई हो गया, ये सारी चीज़ें होता है जब VM एक्सेस नहीं हो रहा है, VM ऑनलाइन है एक्टिव है बट हम उसको RDP नहीं ले सकते, तो री डिप्लाई के केस में क्या होता है, पेंट किया गया, क्लाउड में क्या होता है, जैसे ये मेरा डेटा सेंटर हो गया, एक ये डेटा सेंटर हो गया, ये सब रैक हो गया, इसके अंदर रैक बना रहता है डेटा सेंटर के अंदर, एक रैक दो रैक तीन रैक चार रैक पांच रैक, वैसे यहाँ भी रहते हैं। मेरा VM इस रैक पे है तो री डिप्लाई के केस में क्या होता है, ये वाला VM उठ के इस रैक पे आ जाएगा, दूसरे वाले रैक पे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? री डिप्लाई करोगे जब, ओके ओके रीडिप्लॉय। ओके ओके हाँ व्हेन री वी डू द डिप्लाई करो ना, रीडिप्लॉय हाँ ट्राई टू री डिप्लाई योर वर्चुअल व्हेन माइग्रेट अ न्यू एज यू होस्ट, इफ यू कंटिन्यू देन रीस्टार्ट एनी डेटा ना टेंपरेरी ड्राइव। मैंने क्या हुआ था, जब भी VM रीस्टार्ट होगा वो टेम्पररी डेटा का ड्राइव लॉस हो जाएगा, ये बताया था ना, वही चीज़ यहाँ पर लिख रहा है। तो री डिप्लाई केस में भी यही होता है, जब हम इसको री डिप्लाई करते हैं ना तो ये VM उठ के दूसरे रैक पे चला जाएगा। तो ये सब बेसिक ट्रबल शूटिंग है कि जब हम VM का RDP नहीं मिलता है,
देन उस केस में क्या ओके बट होता वन मिनट, है? सो व्हेन यू डू द रीडिप्लॉय दैट टेम्पररी डिस्क, व्हाट डिड यू मेंशन दैट द लास्ट पार्ट, क्या बोला था तुम? आप मैंने बोला था वो टेम्पररी डिस्क भी के अंदर जो डेटा रहता है वो चला जाएगा, तुम रीडिप्लाई करो या हाँ रीस्टार्ट करेक्ट करो, करेक्ट करेक्ट है ना? करेक्ट 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 हाँ, तो वही करेक्ट चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू विल लूज एनी डेटा ऑन द टेम्पररी ड्राइव, जो मैंने पहले कहा था ना कि करेक्ट वीएम करेक्ट, अगर वो तो बोला। रिस्टार्ट होगा तो उसका डेटा लॉस हो जाएगा, तो हम वहाँ पे कुछ सो डेटा नहीं रखेंगे, दिस इज बेसिकली एट द टाइम ऑफ ट्रबल लाइक व्हेन शूटिंग। द वर्चुअल मशीन इज नॉट टर्निंग ऑन, देयर इज सम हाँ प्रॉब्लम, मींस यू कैन डूइंग हाँ रीडिप्लॉय, हाँ राइट? रीडिप्लाई इज द लास्ट ऑप्शन, बट उससे भी पहले बहुत सारे ट्रबल शूट है वो मैं बताऊँगा। रीडिप्लाई इज द लास्ट ऑप्शन। सो रीअप्लाई भी है अगर वर्चुअल मशीन अगर फेल्ड स्टेट में आएगा, जैसे अभी वर्चुअल मशीन क्या है, रनिंग स्टेट है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, रनिंग स्टेट लिख रहा है ना, अगर यहाँ पे फेल्ड स्टेट में रहेगा तो अपने को रीअप्लाई करना होगा, रीअप्लाई। तो ये सब ट्रबल शूटिंग का मेथड है, एंड दिस इज सीरियल कंसोल। हम वर्चुअल मशीन के अंदर भी जा सकते हैं सीरियल कंसोल के थ्रू, तो ये सब ट्रबल शूटिंग में बताएंगे। ओके एंड ऑल्सो डू यू हैव एनीथिंग, अ लिस्ट ऑफ टॉपिक फॉर द ट्रबल शूटिंग इन दी एडमिन? हाँ वो बताएगा ना ट्रबल शूटिंग में, नहीं नहीं, एक डॉक्यूमेंट है क्या आपके पास कुछ? डॉक्यूमेंट तो नहीं है बट बना सकते हैं, बता दूंगा क्या क्या कुछ इशू करो, आता कुछ है। करो भाई, प्लीज प्लीज तो करो। ये हो गया सिंपल, वीएम का फीचर्स क्या होता है, कैसे हम वीएम बनाते हैं, कैसे डिस्क ऐड करते हैं, कैसे डिस्क डिलीट करते हैं, फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे बढ़ाते हैं, क्या बेसिक ट्रबल शूटिंग है, कैसे बैकअप लेते हैं, वो सब देखे अभी, ठीक है? अब हम आते हैं स्टोरेज पे, स्टोरेज कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? देखो कितना फास्ट है कैच कर रहा हूं मैं। ये तो अभी बेसिक ही है ना भाई ये तो सिंपल एक वीएम करेक्ट क्रिएट करना हुआ, डिस्क बनाना, साइज बढ़ाना हो तो, क्योंकि AWS के तो ये सब पता ही होगा ना। इसलिए सो हाँ AWS इसलिए, किया था अब ना, कोई इसलिए नया बंदा होगा मतलब उसको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, अरे ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, RDP कैसे बनाएंगे, क्या हो, बहुत बाउंस करेगा। वो नेटवर्किंग है तो बंदा समझ लेगा। हाँ नेटवर्क क्या है तो समझ जाएगा, इसलिए इसलिए मैं जल्दी फास्ट बता रहा हूँ ना, जो पॉइंट टू पॉइंट है जो यहाँ पे, क्योंकि इसी में पूरा एक दिन लग जाता है, फिर 50 क्वेश्चन पर यार डिस्क क्या है, डिस्क कैसे सेट करते हैं, साइज क्या है। तो अभी आते हैं स्टोरेज पे, स्टोरेज में क्या होता है, एक मैनेज डिस्क होता है, टू टाइप ऑफ स्टोरेज, वन इज मैनेज डिस्क, सेकंड इज अनमैनेज डिस्क। तो मैनेज वन डिस्क, मिनट वन मिनट, हाँ हेलो चैत्रा, बंद इधर। हाँ ओके भाई, अभी मेरे को एक थोड़ा आधा घंटा, नहीं तो 45 मिनट्स थोड़ा काम है भाई। ओके सो कब से, कल से, कल है तो कैसे स्टार्ट किया, कितने बजे को? 8 बजे ना, 8 से 10 8 से 10 मेरे को ऑफिस रहता है ना ये टाइम को, तो कितना बजे सुबह हो सकते करना, क्या? सुबह कितने बजे, सुबह कितना बजे के हो सकते हैं तुमको? 9 बजे, 9-10 बजे। सुबह 1 मिनट, 9 AM EST 2 EST 2 EST, 1 मिनट। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके कितना 8 AM इज ऑल्सो ओके, 9 AM इज ऑल्सो ओके, IST आपका 9:30 कर दो, 9:30 से? ठीक 9:30 से जितना तक जा सकते हो उतना देर तक, है, ठीक है भाई, मेरा ओके ऑफिस होता ठीक है 11 बजे, होता है 11-12 बजे। है भाई, थोड़ा बराबर। ओके ओके आज थोड़ा कुछ काम आ गया मेरे को, कोई बंदा आ गया कुछ क्लीन अप करने के लिए, क्लीन करने